And the Delhi government has already probed into a report that a Delhi restaurant denied entry and service to a group of street children. The Aam Aadmi Party's Manish Sisodia has tweeted, and I quote, "This is typical colonial mindset. This cannot be tolerated. I've ordered the DM of New Delhi to inquire and report within 24 hours. The children were brought to this restaurant by a Sonali Shetty. She was there to celebrate her husband's birthday, but then they were asked to leave. Now, the restaurant claims the children were being a nuisance. They were disturbing other customers." कल दीदी हमको खाना खिलाने लेके आई थी शिव सागर में. फिर दीदी ने बोला कि खाना खा लो. फिर अंकल ने हमको धक्का देके बाहर निकाला. फिर दीदी ने बोला हम जितना का बिल होगा जितने का बिल दे दे. फिर नहीं खाने दिया. फिर हमने सब ने उन्होंने खाना खिला दिया. जो साथ में बच्चे आए थे वहां अंदर जाके बहुत ज्यादा हमें तमाशा कर रहे थे. चीजें उठा के फेंक रहे थे, कूद रहे थे, छू रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. एज अ रेस्टोरेंटर आई थिंक आई हैव माई राइट्स रिजर्व्ड. बाहर बोर्ड है हमारे रेस्टोरेंट के. हमें राइट है कि अगर कोई आके गेस्ट को तंग करे कि हम उन्हें बोलें कि आप प्लीज बाहर जाइए. और हमने वही किया. उसमें आई डोंट थिंक हमने कुछ गलत किया. वो लेडी कह रही है मैं अपने हस्बैंड का बर्थडे मनाने गई थी और मेरा मन था कि कुछ गरीब बच्चों के साथ बैठ के वहां खाना खाया जाए. वो कह रही है मैं पेमेंट करने के लिए तैयार थी लेकिन दो घंटे मुझे वहां बिठा के रखा गया और मुझे खाना नहीं दिया गया बच्चों को. फिर अल्टीमेटली हमें बाहर निकाल दिया गया. ये बहुत ही इनह्यूमेन है. इसीलिए मैंने मजिस्ट्रेट को कहा है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उस एरिया के, तो मुझे 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी करके दें.